गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो आवर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड ए टॉपिक दैट इज द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस. ओके एंड स्पेशली ऑन दैट क्लास वी हैव लर्न डिफरेंट अबाउट इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस द टू मेजर सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स. ओके सो स्टूडेंट, today we will start a new topic, that is plants parts and the animal product as food. Plants parts and animal product as food. So remember one student, remember in this class we will learn what are the different parts of leaf and also which part is edible one and which part is not edible. So let us discuss about that one. So this is the structure of a plant. This is the structure of a plant. Okay, and you know that this is look like flower. This part called as flower, and this part called as fruit. Then this part called as leaf, and you know leaf is green in color. Yes or no? And fruit, specially fruit, the different type of seeds present inside the fruit. Yes or no? Okay, so maximum number of seeds or all the seeds of a plant present inside the fruits. Yes or no? And next one is this strong woody type structure, this part called as stem. Now another one is this part called as this large root called as primary root, and this smaller size root called as secondary root. Okay, so the thick root called as primary root and thin root called as secondary root. This one is stem, this one is fruit, this one is flower, this one is leaf. Okay. And remember one thing, the small outgrowth present at the growth of leaf. Okay, simply you can say that a small outgrowth present at this part of leaf. At this part of leaf means the connector, simply you can say the board present at the joint part of petiole and branch. A small outgrowth present at the joint part of petiole, this one is petiole and the branch. Or simply we can say that the small outgrowth present at the joint part of a branch or stem. This is ओके तो आपका जो बोर्ड होता है, जो लीफ जहां पर जॉइंट है, सिंपली ब्रांच छोड़ दो जो लीफ है, लीफ क्या होता है, लीफ और जो स्टेम जहां पर जॉइंट है वहां पर एक छोटा सा हल्का सा एक सर्कुलर ग्रोथ हुआ होगा. छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है ठीक है. जहां पर लीफ और ब्रांच जॉइंट है, उस जगह पर लीफ और ब्रांच जॉइंट है, या लीफ या स्टेम जॉइंट है, जहां पर लीफ या ब्रांच या फिर लीफ या स्टेम जहां पर जॉइंट है वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा आउटग्रोथ है, छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं बोर्ड. ओके एंड रिमेंबर वन थिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू लीफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू लीफ कॉल्ड एज इंटरमीट. और सिंपली वी कैन से दैट नोड, व्हाट इज नोड, नोड मतलब आपका है जहां पर लीफ और ब्रांच जॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है नोड. नोड किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट में आपका लीफ और ब्रांच जॉइंट है, जिस पॉइंट पे लीफ और
ब्रांच ज्वाइंट है उस पॉइंट को बोला जाता है नोड। और दो नोड के बीच में, ये भी क्या है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरनोड। और जहां पर लीफ और ब्रांच ज्वाइंट है या लीफ या स्टेम ज्वाइंट है वहां पर छोटा सा आउटग्रोथ होता है, इस तरह छोटा सा आउटग्रोथ, ये पॉइंट को तो इंटरनोड बोलते हैं लेकिन छोटा सा तो आउटग्रोथ होता है उसी को बोलते हैं बोर्ड। और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे लीफ अटैच है ब्रांच या स्टेम से, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ओके, सो स्पेशली द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, द अपर पार्ट ऑफ ए प्लांट कॉल अस सोस्ट्रेटम। आपका यहां से हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, एक टोटल पार्ट, जमीन के ऊपर जितना भी प्लांट्स का पार्ट है उस सभी को मिला के क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम। जमीन के ऊपर जो भी पार्ट है सभी को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, सूट सिस्टम, सूट सिस्टम। उसी तरह जमीन के नीचे प्लांट का जितना भी पार्ट है उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम। जमीन के ऊपर जितना भी पार्ट है उस सभी को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, सूट सिस्टम। और जमीन के नीचे जितना भी पार्ट है उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम। ओके, सो दिस इज अबाउट प्लांट्स एंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके सो स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट सम एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रिलेटेड प्लांट्स, अबाउट देयर रिलेटेड प्लांट्स। सो फर्स्ट वन इज वेजिटेबल, और सिंपली द लीफ यूज आर ए वेजिटेबल। फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स यूज आर ए वेजिटेबल। सागो बनाए, सागो तरकारी बनाए भाई यूज होता है, ठीक है, साग का सब्जी बनाने के लिए। लाइक दैट वन, सीड्स, सम सीड्स ऑफ प्लांट्स यूज आर यूज टू मेक ऑयल। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड सीड्स दैट इज यूज टू मेक, तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स यूज टू मेक ऑयल। लाइक दैट वन, अनदर वन इज स्टेम, इट इज ऑल्सो एडिबल वन। सम स्टेम ऑफ सम प्लांट्स यूज एज ए फूड मेटेरियल। फॉर एग्जाम्पल स्टेम ऑफ सुगर केन प्लांट्स यूज टू एक्सट्रैक्ट जूस। ओके, सो स्टेम ऑफ सुगर केन प्लांट्स यूज टू मेक जूस, एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल्स कंज्यूम दैट जूस, एंड दैट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड नेसेसरी जूस विच मेक्स आवर बॉडी हेल्थी। अनदर वन, फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, यू नो दैट व्हिच इज मैंगो, मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स ऑफ इंडिया। सो मैंगो स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपुल यूज दिस फ्रूट एज ए फूड मेटेरियल। इस मैंगो को खाते हैं, आप जानते हो, आप लोग भी खाते हो, अभी का सीजन में सभी लोग खा रहे हैं मैंगो। मैंगो एक क्या है, फ्रूट है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल कंज्यूम दैट फूड मेटेरियल। ओके, दैट इज रिलेटेड टू मैंगो प्लांट्स। लाइक दैट वन, वेजिटेबल्स। ओके, सम फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स यूज एज ए वेजिटेबल। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर। ओके, ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर बोथ आर द फ्लावर्स एंड यूज एज ए वेजिटेबल। ओके, नाउ एंड बोथ फ्लावर, ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर प्लांट्स रिलेटेड टू ब्रोकोली प्लांट्स एंड कॉलीफ्लावर प्लांट्स। कम टू द अनदर वन, रूट, रेडिश। रेडिश इज ए वन टाइप ऑफ रूट, रेडिश इज ए वन टाइप ऑफ रूट, एंड इट इज यूज एज ए वेजिटेबल टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ करी। सो रेडिश
related to radish plants. And radish is one type of root, and it is used as a vegetable to make curry. Radish means mula. Now come to the another one is nectar. Nectar, especially nectar is a sweet juicy material. Nectar is a sweet juices material which is present inside the flower. Nectar is a sweet juices material which is present inside the flower. And honeybees collect that nectar and converted that nectar into honey. So remember one thing, nectar is a part of, it is a juicy material. Nectar is a juicy material which is present inside the flower, and different type of nectar collect that nectar. Different type of bees, or that may be honey bees, collect that nectar and converted that nectar into honey and store that honey. में उसे हनी को क्या करते हैं, स्टोर कर रखते हैं. जब उनको यूज करना होता है फूड मटेरियल, जब उनको खाना खाने का जरूरत होता है, उसे हनी को यूज करते हैं फूड मटेरियल के लिए. और हम लोग भी उसी हनी को निकाल के यूज करते हैं हनी के रूप में. ठीक है, तो आपका जो स्वीट जूसी मटेरियल है कहाँ पर रहता है, नेक्टर कहाँ पर, फ्लावर में रहता है. और जो हनी भी क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके लाते हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं. कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. और जब उनको खाने का जरूरत होता है तो उसी को खाते हैं. और हम लोग भी उसी होनी को निकाल के यूज करते हैं होनी के रूप. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड मटेरियल. इफ एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक देन कॉल मी और सेंड मी मैसेजेस. ओके.